नमस्कार, आज मैं आपको पहाड़ी फल किलमोड़ी जिसको बोलते हैं, दोस्तों ये किलमोड़ी होती है, ये अभी हरा है, ये इस अभी एक महीने के अंदर ये पूरा बड़ा, इसका करीब चार गुना बड़ा होगा, ये चार गुना बड़ा होगा, ये एकदम ब्लू हो जाता है और बहुत मीठा होता है दोस्तों, ये बहुत ही मीठा रहता है फल है, ये केवल उत्तराखंड में पाया जाता है। और इस टाइम दोस्तों इसको तोड़ के आप इसकी चटनी बना सकते हो, इस लेकिन जब पक जाएगा तब आप चटनी नहीं बना सकते हो, इस टाइम इसकी चटनी बना सकते हो, बहुत अच्छी चटनी होती है, इसकी खट्टी मीठी होती है। और ये केवल पहाड़ में उत्तराखंड में ही पाया जाता है, और ये केवल मार्च अप्रैल जून तीन महीने में आपको मिलेगा, जून के बाद ये इसकी फसल जो है कम्प्लीट हो जाएगी, जून के बाद ये कम्प्लीट हो जाता है। और उसके ये जो है इसको सेव भी नहीं कर सकते दोस्तों, इसको हम क्या जून जब अभी आप ना आपने खा लिया नहीं तो खाया, तो आपने अगर जैसे आप तोड़े कल आप रखेंगे फिर एक दो दिन के बाद इसको आप ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये पहाड़ है, ये पहाड़ों में कहीं पर किलमोड़ी है, कहीं पर हिसालू है, कहीं पर बेड़ू है, कहीं पर बमौब है, तो यहाँ अनेक प्रकार के फल फूल नाना प्रकार के हैं, ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है। दोस्तों गर्मियों में आप लोग यहाँ आइए, उत्तराखंड को देखिए, यार क्या चीज़ है, ये एक स्वर्ग के समान है, उत्तराखंड स्वर्ग के समान है। देखिए ये देखिए आप दोस्तों, ये स्वर्ग के समान है। तो दोस्तों देखिए यार सीन देखिए उत्तराखंड का, तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, ये ख्याल ये रखना दोस्तों, ये देखिए ये आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ दोस्तों, आप लोग भी इसका एंजॉय कीजिए। देखिए इसको किलमोड़ी बोलते हैं, हमारे केवल उत्तराखंड कुमाऊं में ही ये चीज़ आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, यू कैन नॉट फाइंड डिस्ट्रिक्ट इन ऑल्सो है। सो दोस्तों एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।